मुझे बहुत ही काम है, शॉपिंग का काम रहेगा तो पूरा मेरा टाइम टेबल ही बिगड़ गया है, रूटीन ही बेकार हो गया है मेरी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है ट्यूसडे और अभी हुआ है टाइम, तो टाइम हुआ है 8:10 पड़े हैं, जो मुझे तो पहले कभी पता ही नहीं होता है। आपको दिखाती हूँ तब मैं देख लेती हूँ न टाइम का पता है न दिन का पता है। तो 8 बज चुके हैं आज भी, कितनी लेट हो जाती हूँ मैं अभी, पूरा ऐसे डस्ट पड़ी है, मैं क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है घर, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बट क्या करें, अभी तो रेस्ट पे हूँ, दोनों काम करने नहीं दे रहे हैं, काजल और हबी। तो कल से मैं अपना काम बराबर से करूँगी, 2 दिन रेस्ट हो गई, आज थोड़ा ठीक लग रहा है, 2 दिन खाली तबीयत ऐसी थी तो आज थोड़ा फ़ायदा है मुझे, आज टेंशन नहीं है, तो भी आज मुझे रेस्ट कराई है इन दोनों ने। खाना बना रही हूँ, खाना भी कौन सा, आधा मम्मी और काजल साथ में खड़े रह रहे, थोड़ा काजल कर रही है, थोड़ा मैं कर रही हूँ, बस इतना। सुबह में नाश्ता भी मम्मी ने बनाया था, चूड़ी बनाया था आज, सतना की कुट्टी होती है ना, उसको प्रसाद चढ़ाते हैं ना स्वामीनारायण की, वो कुट्टी बनाई थी सुबह में नाश्ते में मम्मी ने, क्यों, तो मम्मी को पता है मुझे पसंद है। तो हबी गए हैं काम से, तो नाश्ता मैं खाली वेफर्स ही खा रही हूँ, वेफर्स खा के चाय वगैरह पियेंगे काजल और मैं, तो वेफर ला के दे के गए हैं, वही खा के अपना चाय वगैरह पियेंगे, टाइम पास करेंगे, भूख है नहीं, आफ्टरनून में रोटी ही खाई है तो भूख इतनी लगती नहीं है, वैसे भी अभी तो डाइटिशियन ने बोला है इवनिंग में आप ना खाओ नाश्ता, ऐसे मना नहीं किया है उन्होंने, जो डाइट चार्ट बताया है ना मुझे उसमें नहीं है, तो आफ्टरनून में जो रोटी वगैरह है तो उसमें पेट भर जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है इवनिंग में खाती हूँ, अभी कभी नहीं, तो आज वेफर खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ काजल और मैं। Thank you.
तो बेडशीट भी अरेंज हो गई। ये तो आज सुबह में एक बार ही अरेंज की है, डस्टिंग करके सीधा अभी कर रही हूँ। पूरा मेरा टाइम टेबल ही बिगड़ गया है, रूटीन ही बेकार हो गया है मेरी हेल्थ की वजह से। और पानी भी अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है मुझ में, आधा लीटर मैंने इवनिंग तक खलास कर दिया था, और ये दूसरी बड़ी है, ये भी रात तक कंप्लीट करूंगी। कम से कम 1 लीटर तो दिन में पीऊँ, 3 लीटर बोले हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगी, फिर 1.5 करूंगी, फिर उसके बाद 2, फिर 3, ऐसा होगा धीरे धीरे। एक साथ ही नहीं, इतना नहीं पी सक रही हूँ मैं तो। ये एक मैं रात तक ये पूरा कर दूंगी, ये बॉटल आधा लीटर भी, तो 1 लीटर पूरे दिन में हुआ आज पानी। कल भी ऐसा किया, आज भी ऐसा किया, तो अभी अभी भी आएंगे थोड़ी देर में, तब तक मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली, फिर आके बैठेंगे, वो भी चाय बाय पियेंगे, उनको भी चाय बाय बना के दूंगी। तो थर्सडे के दिन मैं जाऊंगी बाजार, अभी थर्सडे से मेरी तैयारियां होने वाली हैं, क्यों तो 16 दिसंबर को मैरिज एनिवर्सरी है, और इस बार मैंने अपना लुक बहुत ही चेंज सोचा है, बिल्कुल जो मैंने पूरी लाइफ में नहीं किया हो वैसे मैं लुक करूंगी इस बार, चेंज करूंगी बहुत। तो वो शॉपिंग करनी है, कल तो वेनसडे है तो अभी तो फ्री रहेंगे नहीं, कल तो वो मुझे भी, वेनसडे के दिन वो मुझे भी नहीं पहचानते, बोलते तू कौन कौन है तू तो वो नहीं पहचानेंगे, कल उनको काम है बहुत। तो कल नहीं जाऊंगी मैं बाजार, परसों से जाऊंगी मैं शॉपिंग वगैरह करके आऊं, फिर उसके बाद तो 12 को तो फिर फंक्शन है, वहां पे भी जाना है मुझे कजिन सिस्टर के यहाँ पे, तो जो नेफ्यू है मेरा उसकी थ्रेड सेरेमनी है तो वहां पे भी जाना है, तो उसके पहले मैं शॉपिंग करके आऊं, फिर 12 को जाना है, फिर 11 को डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट है, फिर डॉक्टर की भी 28 को अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने भी बोला है 15 डेज पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, वो भी काम है। बाजार का पहले मैं काम कर लूंगी, क्यों तो फिर 12 को जाना है, तो उसके बाद फिर मुझे अपना पार्लर का भी करना पड़ेगा, ब्लीच वगैरह वो भी करूंगी, काजल से करवाऊंगी, या तो फिर ब्यूटिशियन बुलाऊंगी, या काजल तो अभी अच्छा कर लेती है, काजल ने किया तो काजल है, नहीं तो ब्यूटिशियन जैसा हुआ, तो मैं वो भी 12 के बाद फिर जैसे मैं सिस्टर के यहाँ से होके आऊंगी नेफ्यू के थ्रेड सेरेमनी से, उसके बाद फिर मैं अपना भी ब्लीच वगैरह कराऊंगी और ये कलर वगैरह कराऊंगी, बहुत ऐसे हो गए तो अभी बिजी रहने वाली हूँ मैं परसों से, मुझे बहुत ही काम है, शॉपिंग का काम रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं करती आऊंगी, क्यों तो इनको भी इतना टाइम नहीं मिलता है ना, काम के चक्कर में पूरा दिन इनका काम में भी जा रहा है, तो इतनी देर भी बाजार मेरे से एक साथ ही नहीं चल पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज निकलूंगी, परसों से थोड़ा थोड़ा करके मैं शॉपिंग करके आऊंगी, जितना हो सका मुझसे तो उतना कर लूंगी, फिर बाकी 12 को होके आऊँ सिस्टर के यहाँ से, उसके बाद फिर अपना मैं ब्यूटिशियन का पूरा अपना मैं चालू कर दूंगी, कलर वगैरह लगाना, पहले तो सबसे पहले मैं कलर लगाऊंगी, मुझे तो बाल ही खुद के हेयर से इतने अच्छे नहीं लग रहे, मैं कितने रुकी हूँ, फर्स्ट टाइम इसे रुकी हूँ भाई, नहीं अभी 16 को करवाना ही है, तो अभी पहले करूंगी, फिर वापस से वो उतर ही जाएंगे, क्यों तो मैं सर पे फिर ओनियन का हेयर ऑयल लगाती हूँ तो उससे तो कलर उतर जाएगा, तो अभी पहले लगाऊंगी, तो उसके बाद फिर वो कलर थोड़ा जल्दी जल्दी फीका पड़ रहा है उससे ओनियन हेयर ऑयल से, तो अभी तबीयत का इशू था, नहीं तो मैं लगा देती थी, मैंने इतना दिन नहीं लगाया है, क्यों तो फिर पानी में बैठना पड़ता था ना इतना सर धोने के लिए या क्या हेयर वॉश करने के लिए, वैसे अभी 2 दिन 3 दिन हो गए मुझे हेयर वॉश करके भी, तो आज देखती हूँ मैं हेयर ऑयल लगा लूंगी, जैसे एक दो बारी मेरा लग जाए 12 तारीख से पहले, फिर उसके बाद ही फिर मैं कलर वगैरह कर लूंगी, फिर थोड़ा टाइम मैं नहीं लगाऊंगी ऑयल, नहीं तो फिर वो जल्दी उतर जाएगा, ये ओनियन का लगाओ ना जल्दी, या ओनियन का जूस भी लगाओ ना तो जल्दी उतर जाता है, तो इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी। तो अभी तैयारियां भी करनी है बहुत, वही काजल को अभी भी बोले थी पापा फ्री हो परसों से तो चलेंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, देखूं इस बार मैंने सोचा तो है, फिर देखूं कैसे बनता है वो, जैसे ड्रेस मैंने सोचा है कैसे लग रहा है मुझे, सूट हो रहा है कि नहीं, वो सब मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी इस बार न्यू लुक, तो देखते रहिए 16 दिसंबर तक। तो गाइस इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्यों तो मैं हूँ रेस्ट पे, और खाना भी काजल ही बना रही है, अभी काजल ने बोला मम्मी मैं खाने पे लग जाती हूँ, पापा भी आ जाएंगे, इनका भी फोन आ गया है, आ रहे हैं, काजल खाना बनाएगी और मम्मी और मैं बैठ के टीवी देखेंगे, और जब तक अभी आए फिर खाना वगैरह खाएंगे, तो मैं कल से अच्छे से मिलूंगी आपसे, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, रेस्ट कर लूँ, ठीक हो जाऊंगी, तो फिर कल से मैं सोच रही हूँ अच्छे से घर का भी थोड़ा ध्यान दूँ, फर्नीचर वगैरह करूँ, सब घर ऐसे हो गया है मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कल से थोड़ा ध्यान दूंगी, अच्छे से घर का भी ध्यान दूँ, बहुत खराब हो गया है, बहुत फर्नीचर वगैरह किया नहीं है, बेडरूम भी खराब हो गया है, हॉल तो फिर भी बैठी हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत इधर हाथ लगा लेती हूँ खड़े रह के रह के, रूम में तो कपड़े मैंने रखे हैं मेसी, वो उठाने काजल भी करके कितना करे, यहाँ से उठा के वहाँ पे रख रही हूँ, तो काजल भी कितना करेगी, वो भी खाना बना रही है, काम कर रही है, तो
मैं मिलती हूँ आपको कल। तो होप आप सबको ये मेरा छोटा सा व्लॉग आज बिल्कुल मिनी व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस ब्लॉग में न्यू है मेरे पहले वाले ब्लॉग वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट करना जैसे नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।